हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। मेरा नाम है मुकेश पंजवानी। आज हम एक नया एक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये शुरू करने से पहले हम ये भी देखेंगे कि लॉ का क्या मतलब होता है, उसकी क्या जरूरत है और उसके क्या सोर्सेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी स्कूल जरूर गए होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि हर एक स्कूल के कुछ नियम होते हैं, यदि आपको उसे सही तरीके से चलाना है तो। जैसे कि आपको स्कूल कितने बजे पहुंचना रहता है, उसका टाइम फिक्स होता है। कितने बजे स्कूल ओवर होगा, वो भी टाइम फिक्स होता है। एग्जाम्स कब कब होते हैं, आपको क्या यूनिफॉर्म पहन के जाना है, ये सारे नियम होते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलाने के लिए ये नियम जरूरी होते हैं। उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए भी बहुत सारे नियम चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब ड्राइव करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ड्राइव करते हैं, ये नियम है। आप ये भी देखते हैं कि जब रेड लाइट आती है ट्रैफिक में तो वहां पे हमको रुकना पड़ता है, ये नियम है। अगर ये नहीं होगा तो सोचिए क्या होगा, एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, ट्रैफिक जैम ज्यादा होगा। तो यदि हमको देश को सही तरीके से चलाना है तो अलग अलग प्रकार के सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने ही चाहिए। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के लॉस होते हैं, लॉ की अलग अलग ब्रांचेस होती है। हमें जो पढ़ना है वो है बिजनेस लॉ। अब हम ये देखते हैं कि ये बिजनेस लॉ कहाँ से आया, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला, आप सब जानते होंगे कि हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने कई सालों तक राज किया है और फिर जब अंग्रेज चले गए तो उनका जो सेट ऑफ रूल्स था, उनके जो लॉस थे, वो हमने अडॉप्ट कर लिए। तो हमारा एक बहुत ही मेजर सोर्स है इंग्लिश लॉ। उसके बाद दूसरा है इंडियन स्टैट्यूट। अब इंडियन स्टैट्यूट क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि हमारे पार्लियामेंट में हमारे देश के जो नेता हैं वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंडियन स्टैट्यूट। तीसरा जो है वो है जुडिशियल डिसीजन। इसका मतलब है कि कोर्ट में जब हमारे जो जजेस हैं वो कभी कोई डिसीजन पास करते हैं ऐसे पॉइंट पे जिस पे कोई कानून नहीं बना हुआ है, तो वो क्या बन जाता है, वो भी हमारे देश का कानून बन जाता है। और चौथा जो पॉइंट है वो है कस्टम्स एंड यूसेजेस। कस्टम्स एंड यूसेजेस किसको बोलते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोला गया है ऐसी आदतें या ऐसा बिहेवियर या ऐसे रीति रिवाज जो कि बहुत लंबे समय से हमारे प्रैक्टिस में है, तो वो कहलाते हैं कस्टम्स एंड यूसेजेस। और वो रीति रिवाज या वो बिहेवियर, वो हैबिट्स जो हैं, वो ही क्या बन जाते हैं, कई बार हमारा कानून भी बन जाते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हिंदू धर्म में आपको मालूम है कि एक से ज्यादा शादी अलाउ नहीं है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुस्लिम धर्म में एक से ज्यादा शादियां अलाउड हैं। तो ये जो रीति रिवाज हैं, ये ही क्या बन गया, ये कानून भी बन गया। तो ये चार सोर्स हैं हमारे लॉ के। पहला इंग्लिश लॉ, ठीक है। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब जो हमारे देश के हमारे जो नेता हैं वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। तीसरा हमारे जजेस जो डिसीजन देते हैं वो भी कानून बन जाता है। और चौथा हमारे कस्टम्स एंड यूसेजेस, वो भी हमारे कानून बन जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं उसको आप नोट डाउन जरूर करते जाए। जहां पे भी आपको लगता है लेक्चर को पॉज कीजिए और फिर नोट डाउन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है कि ये बना कब था। तो ये बना था 1 सितंबर 1872 को।
ठीक है, और ये उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लागू होता है जो कि 1 सितंबर 1872 को बने हैं या उसके बाद, उससे पहले बने हुए कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। अब यहां पे हम देखते हैं ये जो पूरा एक्ट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है जनरल प्रिंसिपल्स और दूसरा है स्पेशल प्रिंसिपल्स। हमें जो पढ़ना है वो है जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। 1 से लेकर 75 सेक्शन तक आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स, और फिर 76 ऑनवर्ड्स ये आ जाते हैं हमारे स्पेशल प्रोविजंस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं, और साथ ही साथ आपको जो डेफिनेशंस आप देखेंगे वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। भले ही आप इसको सीए फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, सीएस फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, सब में आपको डेफिनेशंस याद जरूर करनी पड़ेंगी। अब आते हैं हम अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसकी जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, अग्रीमेंट से। पहले हम समझ लेते हैं कि अग्रीमेंट क्या होता है। मान लीजिए एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि कल क्या आप हमारे यहाँ लंच पे आएंगे, ठीक है। मिस्टर बी तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहे हैं लंच पे आने के लिए, और मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, मिस्टर बी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये कहलाता है अग्रीमेंट। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, मतलब दिस इज अग्रीमेंट, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे अग्रीमेंट्स आप सुबह से लेकर शाम तक कई बार करते हैं। आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं, ब्रेड खरीदते हैं, तो भी क्या होता है वहां पे अग्रीमेंट होता है, क्योंकि आप वहां पे जाके अगर ऑफर कर रहे हैं कि मैं ब्रेड खरीदना चाहता हूं, और सामने वाला वो ऑफर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो क्या हो जाता है, अग्रीमेंट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको 25,000 में अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ऑफर किया, और आपने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने बोला हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है, बहुत आसान है। हाँ, डेफिनेशन आपको डेफिनेटली याद रखनी पड़ेगी, मगर इसका मतलब एकदम आसान है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक अग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिसे आप इन्फोर्स कर सकते हैं, और दूसरे जिसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या होता है उसको भी हम समझते हैं। मान लीजिए कि ए ने बी को जब अपने यहाँ लंच पे बुलाया और बी तैयार भी हो गए, दूसरे दिन यदि बी लंच पे नहीं पहुंचते हैं, मिस्टर ए बिल्कुल खाना रेडी करके रखा है उन्होंने और मिस्टर बी वहां पे नहीं पहुंचते हैं, तो क्या मिस्टर ए मिस्टर बी के खिलाफ केस कर सकते हैं कोर्ट में? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह के अग्रीमेंट्स को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने जब आपको कहा था कि मैं आपको 25,000 में लैपटॉप दूंगा और आप खरीदने को तैयार हो गए, और फिर मैं मुकर जाता हूं, मैं मना कर देता हूं कि मैं आपको लैपटॉप नहीं दूंगा, तो क्या आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों में क्या फर्क है वो एक बार हम समझ लेते हैं। जो अग्रीमेंट ए और बी के बीच में हुआ था वो सोशल नेचर का अग्रीमेंट था। तो कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो कि सोशल नेचर का है या डोमेस्टिक नेचर का है, इनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फादर को कहा कि मुझे एक मोबाइल खरीद के दो, आपके फादर तैयार हो जाते हैं, मतलब आपने ऑफर किया और फादर ने एक्सेप्ट भी कर लिया आपकी बात को, उसके बाद वो मना कर देते हैं, तो क्या आप कोर्ट में जाके उनके खिलाफ केस कर सकते हैं? तो आंसर है कि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है। तो जो भी ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि सोशल नेचर के होते हैं या डोमेस्टिक नेचर के होते हैं, उनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये एक जनरल रूल है, इनमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, इसके अपवाद हो सकते हैं, मगर अभी मैं बात कर रहा हूँ जनरल रूल की। उसी प्रकार से जो आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया वो ना तो सोशल नेचर का था ना तो वो डोमेस्टिक नेचर का था, वो एक प्रकार से कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट था, वो आप डेफिनेटली इन्फोर्स कर सकते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि आप इन्फोर्स कर सकते हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट, मेरा तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो कई बार हम दिन में एग्रीमेंट्स भी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है? सीधी सी बात है, जिसको आप इन्फोर्स कर सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको नहीं कर सकते हैं वो क्या है? एग्रीमेंट है। तो चलिए अभी कुछ नोट्स आप बना लीजिए। सबसे पहले ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, और ये है आपकी एग्रीमेंट की डेफिनेशन, इसे भी आप नोट डाउन कर। ज्यादा है लेक्चर को पॉज कीजिए, उसके बाद आप इसको नोट डाउन करें। अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने हालांकि आपको समझा दिया, यहां पे लिखा गया है एज पर सेक्शन 2H। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा टर्म जो है वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत डिफाइंड है। कभी भी आप लिखते हैं, मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट या व्हाट इज एन एग्रीमेंट, तो वहां पे आप वहां पे लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H। ठीक है, हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, फिर नीचे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम अगर सेक्शन को कोट करते हुए लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, ऐसा करके यदि हम लिख रहे हैं तो वहां पे आपकी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए। इसलिए बेटर है कि आप उसको कोट करके ना करें, अलग से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं और वहां पे आप लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H। चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहां पे। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि इनफोर्सिबल बाय लॉ हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या कह रहे हैं? यहां पे बोल रहा है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है, क्योंकि हमने देखा कि एग्रीमेंट दो प्रकार का है, एक जिसे आप इन्फोर्स कर सकते हैं और एक दूसरा इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है, मगर हर एक एग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक और डेफिनेशन है प्रॉमिस की, इसको भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। प्रॉमिस होता क्या है? वो ऑफर जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो ऑफर जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऐसे ऑफर को हम प्रॉमिस कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको लैपटॉप 25,000 में बेचना चाहता हूं, तो ये मेरा क्या है? ऑफर है। आपने ऑफर मेरा एक्सेप्ट कर लिया, तो इस ऑफर को अभी हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिस बोलेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया है? एक्सेप्ट हो गया है। तो इसकी डेफिनेशन भी आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़िए। अब यहां पे डिफरेंस है अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्लियर होना चाहिए और आपको अच्छे से लिखते भी आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, हमेशा क्या कीजिए, जब भी डिफरेंसेस पूछे हो तो आप तीन कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम जो रहेगा वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस का रहेगा, कि भैया ये जो डिफरेंस है वो किस पॉइंट को लेकर है। ठीक है, और फिर एक रहेगा अग्रीमेंट का, एक रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो पहला यहां पे आप देख सकते हैं कि उसके एलिमेंट्स हैं क्या। तो अग्रीमेंट का एलिमेंट है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या एलिमेंट है? अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी, इन्फोर्स कर सकते हैं जिन एग्रीमेंट्स को, वही तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। उसके बाद नीचे आइए, लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब एक प्रकार का दायित्व, लीगल दायित्व। क्या हर प्रकार के अग्रीमेंट में आपके ऊपर क्या लीगल दायित्व बनता है? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि ए ने बी को अपनी शादी में इनवाइट किया,
बी ने कहा मैं जरूर आऊंगा तुम्हारी शादी पे, मगर बी किसी भी कारण से शादी पे नहीं पहुंच पाता है, तो क्या ए बी के खिलाफ केस कर देगा कि तुमने तो वादा किया था? नहीं, क्योंकि यहां पे बी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आना ही आना है, भले ही उसने बोला हो तो भी ऑब्लिगेशन लीगल नहीं बनता है। उसी प्रकार से जब मैंने आपको कहा कि मैं आपको 25,000 में लैपटॉप बेचूंगा और आप खरीदने को तैयार हो गए, तो क्या मेरे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन बनता है? बिल्कुल बनता है। यहाँ पे तो एक अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अग्रीमेंट। उसी प्रकार से जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में तो लीगल ऑब्लिगेशन है ही, तभी तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अग्रीमेंट में ऑब्लिगेशन हो भी सकता है और नहीं भी, मगर कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन हमेशा रहेगा। उसके बाद है इन्फोर्सिबिलिटी, क्या आप इन्फोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ए क्या इन्फोर्स कर सकता है बी को इस बात के लिए कि तुमको शादी पे आना ही पड़ेगा, लीगली इन्फोर्स कर सकता है क्या? वो थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करा सकता है क्या कि बी मेरी शादी पे नहीं आया? तो बिल्कुल नहीं करा सकता है। मगर क्या आप मेरे को इन्फोर्स कर सकते हैं लैपटॉप बेचने के लिए? तो डेफिनेटली आप इन्फोर्स कर सकते हैं। तो एक अग्रीमेंट दोनों प्रकार का हो सकता है, एक जिसमें आप इन्फोर्स कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इसलिए यहां पे लिखा गया है मे और मे नॉट। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे तो हमेशा इन्फोर्स किया ही जा सकता है। अब चौथा पॉइंट है वन इन अदर, एक अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि अग्रीमेंट तो दोनों प्रकार के हैं, सोशल और डोमेस्टिक नेचर वाले भी हैं और दूसरी तरफ नॉन सोशल नॉन डोमेस्टिक नेचर के भी हैं, है ना। तो एक अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, मगर हर एक कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरी है, जरूरी है कि अग्रीमेंट होगा ही होगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद भी होने चाहिए बहुत अच्छे से, इसको नोट डाउन करें और साथ ही साथ इसको याद भी रखें। आप चाहें तो लेक्चर को यहां पे पॉज कर सकते हैं, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट चीज एक देखने जा रहे हैं, वो है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स जरूरी होते हैं, वो होंगे तो ही वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आप देखिए लिखा हुआ है क्या, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब यहाँ पे ऑफर भी होना चाहिए एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। मैंने आपको कहा कि मैं आपको 25,000 में लैपटॉप बेचूंगा, तो मैंने क्या किया ऑफर, आपने क्या किया, आपने बोला खरीदने के लिए तैयार हूं, तो ये हो गया आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस। तो ऑफर भी हो और एक्सेप्टेंस भी हो, केवल ऑफर से क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल नहीं, केवल एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल नहीं, दोनों चीजों का होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। डोमेस्टिक और सोशल नेचर के जो अग्रीमेंट्स होते हैं उसमें पार्टीज का इंटेंशन कभी भी नहीं होता है कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपके फादर ने आपको कहा कि यदि तुम सीए फाउंडेशन क्लियर कर लोगे तो मैं तुमको एक लैपटॉप खरीद के दूंगा। अब आपके फादर आपको ऑफर कर रहे हैं कि तुम यदि ऐसा करते हो तो मैं तुमको लैपटॉप खरीद के दूंगा। आप बोलते हो मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट है। अब आप बोलते हो मनी मन में कि ये तो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने सीए फाउंडेशन क्लियर भी कर लिया, उसके बाद आपके पापा आपको लैपटॉप नहीं लेके देते, तो क्या आप उनके खिलाफ कोर्ट में जाके मुकदमा कर सकते हो? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहां पे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, पार्टीज में ऐसा कोई इंटेंशन है ही नहीं। जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैं 25,000 में आपको लैपटॉप बेचूंगा तो वहां पे इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। तो ऐसे अग्रीमेंट्स, तो सोशल और डोमेस्टिक, इस तरह के अग्रीमेंट्स में इंटेंशन होता ही नहीं है पार्टीज का कि उनको कोई लीगल रिलेशनशिप आपस में क्रिएट करना है।
मगर जो सोशल डोमेस्टिक के अलावा एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें ये इंटेंशन होता है। ठीक है, दूसरा मान लीजिए कि मजाक मजाक में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं है, वो मजाक कर रहे हैं, तो वहां पे भी ये नहीं होने वाला। ठीक है, तीसरा पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको 25,000 रुपए दूंगा यदि आप मिस्टर एक्स को मार दें, उसका मर्डर कर दें आप, तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मिस्टर एक्स का मर्डर। ठीक है, तो इस तरह का अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हमारा उद्देश्य है कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का, वो क्या है? लॉफुल नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपका जो उद्देश्य है अग्रीमेंट का वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। क्या आपको कानून इजाजत देता है क्या कि मिस्टर एक्स क्या या किसी को भी आप मार दें? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हैं उन पॉइंट्स में आप कोशिश कीजिए कि एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूं उसका यूज जरूर करें, वहां पे आप लिखें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि होगा क्या, जब आप रिवीजन करना चालू करेंगे तो ये पॉइंट्स हो सकता है कि जब आप कनेक्ट ही ना कर पाए, तो उनको कनेक्ट बेहतर तरीके से करने के लिए, याद रखने के लिए एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बताता जा रहा हूं उसे नोट डाउन भी करते जाएं। उसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन। पहले हम समझ लेते हैं कि कंसिडरेशन का मतलब क्या है। कंसिडरेशन मतलब आपको जो बदले में मिल रहा है। एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि मैं आपको 25,000 में लैपटॉप बेचूंगा, आप तैयार हो जाते हैं खरीदने के लिए, तो मुझे लैपटॉप के बदले में क्या मिल रहा है? 25,000। आपको 25,000 के बदले में क्या मिल रहा है? लैपटॉप। तो मुझे बदले में जो मिल रहा है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, आपको जो बदले में मिल रहा है वो आपके लिए कंसिडरेशन है। तो कहने का मतलब ये कि मेरे लिए 25,000 कंसिडरेशन है, आपके लिए लैपटॉप कंसिडरेशन है। तो जो बदले में मिल रहा है दैट शुड ऑल्सो बी लॉफुल। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूं कि मैं 25,000 में आपको ब्राउन शुगर बेचना चाहता हूं। ठीक है, ब्राउन शुगर एक प्रकार का ड्रग है, तो क्या वो लॉफुल है? बिल्कुल नहीं है। तो आपको जो बदले में मिलेगा, 25,000 के बदले में आपको जो मिल रहा है वो क्या है? वो लॉफुल नहीं है। तो ऐसा अग्रीमेंट, अगेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अब उसके बाद आते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। क्या हर एक व्यक्ति अग्रीमेंट कर सकता है? नहीं, हर एक व्यक्ति अग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो कौन नहीं कर सकता है? ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जिसे हम माइनर कहते हैं, वो नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अग्रीमेंट कर सकता है मगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड का है, मतलब जो कि सोचने समझने की अवस्था में नहीं है, जिसे दूसरे शब्दों में हम पागल भी कह सकते हैं, या इसके बहुत सारे लूनाटिक भी बोलते हैं, जो कि कभी सही हो जाता है कभी फिर उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है, तो ऐसे लोग उस अवस्था में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ का कहना है कि वही लोग जो कि कैपेबल हैं अग्रीमेंट करेंगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, जो कि कैपेबल है। तो कौन नहीं कर सकता है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये नहीं कर सकता है जो कि अनसाउंड माइंड का है या फिर जो माइनर है। और भी इसमें, इसको हम डिटेल में देखेंगे, मगर फिलहाल के लिए इतना काफी है। फिर उसके बाद आता है कंसेंसस एड आइटम। चलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास दो लैपटॉप है, एक लैपटॉप है जो कि सिल्वर कलर का है, जो कि मैंने अभी अभी खरीदा है 6 महीने पहले, और एक और लैपटॉप है जो कि मैंने बहुत पहले खरीदा था 10 साल पहले, वो ब्लैक कलर का है। अब मैं आपको कहता हूं कि मैं लैपटॉप अपना
5000 में बेचना चाहता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ कौन से लैपटॉप की, जो कि मैंने 10 साल पहले खरीदा था, वो पुराने जमाने का लैपटॉप। और आप क्या समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं इस लैपटॉप की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने 6 महीने पहले खरीदा है, सिल्वर कलर का। तो यहाँ पे मैं और किसी चीज की बात कर रहा हूँ, आप और किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब मीटिंग ऑफ माइंड्स हो। मीटिंग ऑफ माइंड मतलब आप एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो, इसको हम कहते हैं कंसेंसस एड आइटम। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ना, ए हैड 2 horses, 1 white and 1 brown, है ना, ही हैड एन इंटेंशन टू सेल द व्हाइट हॉर्स, है ना, टू मिस्टर बी। तो इस तरह से बी सोचता है कि नहीं, ये ब्राउन हॉर्स की बात कर रहा है, और अग्रीमेंट हो जाता है। तो ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, आप बताइए, गिव द रीजन बिहाइंड दिस। तो आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो वहां पे आप बताएंगे कि बिकॉज देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है। उसके बाद है फ्री कंसेंट। अब ये फ्री कंसेंट क्या है वो भी समझते हैं। मान लीजिए कि आप मेरे पास आते हैं और मेरे को कहते हैं कि सर आपका लैपटॉप 25,000 में खरीदना है, तो मैं कहता हूं मुझे नहीं बेचना है। आप कहते हो खरीदना है, मैं कहता हूं मुझे नहीं बेचना है। आप जेब से गन निकालते हैं और मेरे सर पे रख देते हैं, मैं कहता हूं मुझे बेचना है। तो ये जो कंसेंट मैंने दी है, जो मैंने सहमति दी है, क्या वो मैंने फ्रीली दी है? तो आंसर इज नो। तो यहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा। क्या होगा ये हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, मगर आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। मेरी जो सहमति है वो मैंने कैसे दी है, दबाव में आके दी है, फ्रीली नहीं दी है। तो जब कभी भी आपकी सहमति जो है, कंसेंट है, वो फ्री नहीं होती है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट है अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। इसको आप बोल सकते हैं अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। क्या बोला जाता है, अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब कुछ प्रकार के अग्रीमेंट्स हैं जो कि लॉ एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर चुका है। इस तरह के अग्रीमेंट्स यदि आप करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल, 4 प्रकार के अग्रीमेंट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, लॉ ने डिक्लेयर कर दिया है। जैसे कि किसी व्यक्ति को बिजनेस करने से रोकना, ट्रेड करने से रोकना, व्यापार करने से रोकना, ऐसा अग्रीमेंट यदि आप करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। किसी व्यक्ति को शादी करने से रोकना, ऐसा अग्रीमेंट करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। किसी व्यक्ति को लीगल प्रोसीडिंग में जाने से, कोर्ट में जाने से, अगर वो लॉ चाह रहा है, कानून की मदद चाह रहा है, और आप उसको रोक रहे हैं और इस तरह का अग्रीमेंट उसके साथ कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। या फिर इस तरह के अग्रीमेंट्स जिसमें कि लोग शर्त लगाते हैं, जिसे वेजरिंग एग्रीमेंट्स कहते हैं, आप शर्त लगा रहे हैं कि हेड्स आएगा तो मैं आपको पैसे दूंगा, टेल्स आता है तो आप मुझे पैसा देंगे, इस तरह के एग्रीमेंट्स की लॉ जो है एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर चुका है। आप अगर ऐसे एग्रीमेंट्स करेंगे तो वो वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर वॉइड, ये हम पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, एसेंशियल एलिमेंट्स के बाद। तो उसकी डिटेल्स भले अगर अभी नोट डाउन आप नहीं भी करते हैं 4 प्रकार के, तो बाद में आपको मैं बताने वाला। उसके बाद है सर्टेनिटी ऑफ, चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे अगेन मैं लेता हूँ। मान लीजिए कि एक ऑयल डीलर है, ऑयल बेचता है अलग अलग प्रकार के, कोकोनट ऑयल भी बेचता है, मस्टर्ड ऑयल भी बेचता है, सोयाबीन ऑयल भी बेचता है। अब वहां पे एक कस्टमर फोन करके उससे पूछता है कि ऑयल का क्या रेट है, वो कहता है 50 रुपीज पर लीटर। वो कहता है ठीक है 100 लीटर्स मैं खरीदना चाहता हूँ, बोलता है ठीक है डन। यहाँ पे ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ, क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है,
अब बात आती है कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आपस में ये तय ही नहीं किया है कि किस प्रकार का कौन सा ऑयल, क्योंकि उसके पास तो तीन प्रकार के ऑयल्स हैं, कोकोनट भी है, मस्टर्ड भी है, सोयाबीन भी है, किस प्रकार के ऑयल की बात की गई है ये आपस में उन्होंने तय नहीं किया है। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी आप अग्रीमेंट करते हैं तो यू हैव टू बी सर्टेन किस चीज की बात हो रही है। यहाँ पे अग्रीमेंट में इन्होंने आपस में तय नहीं किया है। हाँ, यहाँ पे यदि वो केवल और केवल कोकोनट ऑयल में डील करता तो वहां पे तो ये तय करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ऑयल, जब उनका बिजनेस ही केवल कोकोनट ऑयल का है तो वहां पे तय करने की जरूरत नहीं थी, मगर तीन प्रकार के ऑयल्स हैं तो वहां पे जरूरी है। यू शुड बी सर्टेन, तो इन ईच एंड एवरी अग्रीमेंट यू हैव टू बी सर्टेन अबाउट व्हाट, क्या बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, ये चीजें सर्टेन होनी चाहिए। अभी मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको लैपटॉप बेचना चाहता हूं, ठीक है भाई कितने में, अरे ठीक है दे देना, जो देना हो दे देना, तो क्या ये अग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, ये केवल अग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन ही नहीं किया। तो वी हैव टू बी सर्टेन अबाउट व्हाट, सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या बेच रहे हैं, प्राइस, टू हूम वी आर सेलिंग, है ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब मान लीजिए कि मैं आपके साथ अग्रीमेंट करता हूं कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा यदि आप खुद से अपने हाथों से 5,000 kg का वेट उठा लो। ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, इम्पॉसिबल है। अब इस तरह की इम्पॉसिबल चीजों को यदि आप लेकर अग्रीमेंट करते हैं तो क्या आपको लॉ एंटरटेन करने वाला है इन चीजों के लिए? आप लॉ का भी टाइम खराब करेंगे, है ना, कि कल को आप 5,000 kg का वेट उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं? बिल्कुल नहीं। इस तरह के अग्रीमेंट्स जो कि इम्पॉसिबल हैं, जो कि आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं, इस तरह के अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, कुछ प्रकार के अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज जरूरी होती हैं, जैसे कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब आप जमीन खरीदते हैं तो उसका जो अग्रीमेंट होता है तो वहां पे जरूरी है कि वो क्या होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो जहां पे भी ये जरूरी है वहां पे करना ही चाहिए, यदि नहीं करते हैं तो वो फिर क्या होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो ये हैं आपके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 10 के अंदर दिए गए हैं। तो इसे पूरा आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए और साथ ही साथ जहां पे भी मैंने एग्जांपल्स आपको बताए हैं वो आप जरूर लिखिए, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू